हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम। वेलकम टू राम आस वाणी रिव्यू। तो दोस्तों, ये हो क्या रहा है? जी हाँ, ऐसा तूफान मतलब समझ से परे है दोस्तों। बीस्ट मूवी अपने आप में इतिहास ही रचने वाली है। जी हाँ, आप लिख कर ले लो कल दोस्तों, यानी आज सुबह 12 बजे बाद इस मूवी का जो शो है ना, 2:30 से 3 बजे, 4 बजे दोस्तों अलग अलग सिटीज़ में बंद रहा है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आज शाम को ना इसका जो शो था ना, वो दोस्तों दुबई में और USA में रिलीज़ कर दिया गया था। और जो वहाँ से रिव्यू आ रहे ना, वहाँ से जो लोगों की रिएक्शन निकल के आ रही है ना, मतलब कहने के जी हाँ, यानी कोई कहते हैं माइंड ब्लोइंग, उससे भी ऊपर का लेवल। जी हाँ, नेल्सन सर की जो लास्ट मूवी थी ना डॉक्टर, सुपर्ब थी। क्या मास थ्रिलर फिल्म थी दोस्तों। वैसे दोस्तों, उससे भी जो गजब का थ्रिलर ना, वो आपको देखने मिलने वाला बीस्ट के अंदर। जी हाँ, जिसे हम हिंदी के अंदर रॉ मूवी से देख सकते हैं, जो कल हमारे इंडिया में भी रिलीज हो रही है। पर दोस्तों, जो रिव्यू आ रहे हैं ना, जो लोगों के रिएक्शन निकल के आ रहे हैं ना, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। वो लोग कह रहे हैं कि बीस्ट मूवी ना, मान के चलो विजय सर करियर के एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मूवी बनने वाली। उनकी एक्शन सीन, उनका जो सोल्जर वाला लुक है, जो वो हथौड़ी लेके निकलते हैं ना, हमने ट्रेलर में देखा है, उनका तो कहना है क्या। वो कहते हैं सुपर्ब से भी ऊपर लग रहे। कॉमेडी टाइमिंग के अंदर भी, जो योगी बाबू की कॉमेडी टाइमिंग बताई है ना फिल्म के अंदर, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये मूवी हमारे बेस्ट से भी बेस्ट बनने वाली विजय सर की। अब बात है बस आप लोगों ऊपर। जी हाँ, अगर आप रॉ मूवी यानी बीस्ट को हिंदी में देखना चाहते हो ना, तो आप लोग थिएटर में चले जाना दोस्तों। देखो, लास्ट मूवी विजय सर की आई थी मास्टर, जो बुरी तरीके से फ्लॉप थी। जी हाँ, अटर फ्लॉप। तो दोस्तों, आप इस मूवी से ऐसा मत करना। लोगों की हाइप है KGF 2 से, जो परसों रिलीज होने वाली है, कल होने वाली है बीच। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इसके हिंदी वर्जन को सपोर्ट जरूर करना। तो मेरा एक छोटा सा रिव्यू वीडियो था, अच्छा लगा इस वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कल विजय सर की मूवी बीस्ट को देखने के लिए जाओगे, नहीं देख जाओगे। तमिल, हिंदी, जिस लैंग्वेज में जाओ, लेकिन जाना जरूर थिएटर में। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।